क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। इस ट्राइंगल की क्यू पी एंड आर क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी। जो क्यू पी है वो एस तक बढ़ाई गई है, तो क्यू पी कौन सी है, क्यू पी ये है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है और एस तक लेकर के जाया गया है। एंड आर क्यू जो है वो टी तक बढ़ाई गई है, तो आर क्यू ये है, इसको आगे तक बढ़ा करके टी तक ले जाया गया है रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री, एस पी आर यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये 135 है, और एंड एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी ये 110 डिग्री है, फाइंड एंगल पी आर क्यू। तो हमें यहाँ पर एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू यानी ये एंगल यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो चीज़ हमें गिवन है, ये और ये एंगल हमें गिवन था, हमने यहाँ पर लिख लिया। निकालना क्या था, फाइंड क्या करना था हमको, पी आर क्यू। तो पी आर क्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। आप एक चीज़ ये देखें कि एस क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, एस क्यू जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो एस क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर हम पी पॉइंट के लिए बात करते हैं तो आपको ये मालूम है अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके एक तरफ के जो एंगल्स होते हैं, एक तरफ के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो इस लाइन के जो एक तरफ के एंगल हैं वो ये और प्लस ये है, तो इसका प्लस इसका इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। इस एंगल का नाम कितना है, एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एस पी आर ये प्लस क्यू पी आर ये, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 180 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो एस पी आर तो हमें गिवन है 135 डिग्री, प्लस एंगल क्यू पी आर हम निकाल सकते हैं यहाँ पर 180 करके। यहाँ पर क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135 आ जाएगा, तो क्यू पी आर जो आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है 45 डिग्री। ठीक है ना। अब यहाँ पर दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो हम एक्सटीरियर एंगल के बेस पे कर लें कि ये जो बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये किसी भी ट्रायंगल के किसी एक एंगल के बाहर का जो एंगल होता है वो अपने अंदर वाले को छोड़ के बाकी जो दोनों ट्रायंगल्स के एंगल होते हैं उनके टोटल के इक्वल होता है। किसी का भी, किसी भी ट्रायंगल का जो बाहरी एंगल होता है यानी कि एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने अंदर वाले एंगल को छोड़ के बाकी जो दोनों अंदर वाले ट्रायंगल के एंगल होते हैं उनके टोटल के इक्वल होता है। या तो उसके बेस पे हम इसको कर लें, या फिर हम TR को स्ट्रेट लाइन मानकर पहले अब ये निकाल लें, जिस तरह से ये निकाला था कि एक तरफ के एंगल का सम 180 होता है, ये निकाल लें, फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल उसका सम 180 होता है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर ये निकल ही जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे कर लें आप, या फिर आप एक्सटीरियर एंगल के बेस पे कर लें कि जो ये वाला एंगल है ये इसके अपने अंदर वाले को छोड़ के इन दोनों के टोटल के इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया एंगल TQP जो है वो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल PQR का। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिख सकते हैं TQP जो होगा, एंगल TQP जो होगा वो किसके, ये अपने अंदर वाले को छोड़ के इन दोनों के टोटल के बराबर हो जाएगा, एंगल QPR, एंगल QPR QPR और प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल PRQ। अब TQP हमें गिवन है यहाँ पर, TQP 110 है और इक्वल टू QPR हमारे पास आ गया था 45, और प्लस एंगल PRQ हमें फाइंड करना था, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 145 को इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू PRQ हो जाएगा। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा एंगल PRQ, तो एंगल PRQ इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 65 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा।